जबलपुर में सट्टेबाजों ने अपनी गहरी जड़ें जमा दी थी, लेकिन तत्कालीन एसपी तुषार कांत विद्यार्थी ने सट्टेबाजों के इस रैकेट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। उस समय जबलपुर से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टेबाजी का सरगना सतीश सनपाल दुबई भाग निकला था, जिस पर पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया है। लेकिन कानून की पकड़ ढीले होते ही सट्टेबाज एक बार फिर से पनपने लगे हैं, जिसकी ताज़ा उदाहरण उस समय सामने आया जब भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान गौरीघाट नर्मदा तट के किनारे दो युवक अपने मोबाइल से भारत और पाकिस्तान के मैच पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को दबोचा तो उनके पास से दो मोबाइल सहित 45,000 की रकम बरामद हुई है। थाना प्रभारी नेहरू सिंह खंडा आते बताया कि आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि वह किससे लाइन लेकर सट्टे का खेल चला रहे हैं। गौरीघाट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भारत और श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान का मैच एशिया कप चल रहा था। रात्रि में सूचना मिली कि कोई व्यक्ति जिलेहरी घाट में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिला रहा है। मुखबिर के सूचना के अनुसार पुलिस थाना गौरीघाट के स्टाफ और क्राइम ब्रांच के स्टाफ के साथ संयुक्त रूप से रेड कार्रवाई की, जिसमें एक लड़का जतिन नाम का मिला, जिसने अपने मोबाइल में सट्टा ऑनलाइन सट्टा खिला रहा था। जिससे पूछताछ पर और एक अपने साथी के साथ उनने बताया कि ये धमापुर के रहने वाले हैं, दोनों हम खिला रहे थे ऐसा उनने बताया है। और बताने के पश्चात दो लोग कहीं बाहर के हैं उनका भी उनने नाम बताया। इनके कब्जे से 45,000 रुपये जब्त किए हैं और दो मोबाइल जब्त किए हैं, भी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पिछले रिकॉर्ड तलाश रहे हैं, पता कर रहे हैं थानों से कि इनका रिकॉर्ड है, लेकिन ये सट्टा फैलाते हुए पकड़े गए हैं। पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दोनों कहाँ के रहने वाले? दोनों घमापुर।